नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन के लिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे जवाब देने के लिए। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आपके पास 5 सेकेंड। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, हैदराबाद में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो 5 सेकेंड है। ये जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रोआल्ड एम्यून डेशन। ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे 14 दिसंबर 1911 में और इनके साथ 4 व्यक्ति और थे जो गए थे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष शाका युग की स्थापना की गई थी? तो 5 सेकेंड है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 78 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो 5 सेकेंड है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का है? सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य का है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बी जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? 5 सेकंड है। बी जो आंसर है राइट है, कलकत्ता का उच्च न्यायालय सबसे पुराना है और इसका निर्माण हुआ था 1862 में। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? विजयनगर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीरंग 3rd इसके अंतिम शासक थे विजयनगर के। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में दो भाइयों के द्वारा, हरिहर और बुक्के के द्वारा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई का उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1862 में किया गया था। एक बात और बताना चाहूंगा आपको, मुंबई और कोलकाता का एक ही सन में हुआ था, वो हुआ था 1862 में। कोलकाता का भी इसी सन में हुआ था और मुंबई का भी। अगर आपके पास अब भी कोई कंफ्यूजन है इन 10 क्वेश्चनों में से लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपको समझाऊंगा भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ एक लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों में एक शेयर। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।